हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अरफ वर्ड है। हम लोग बात करने वाले स्मार्ट वॉच के बारे में जो कि लॉन्च हो चुका है एंड मुझे काफी टाइम से इसका वेट था। ऐसा स्मार्ट वॉच बहुत कम देखने में मिलता है एंड मुझे काफी टाइम से इंतजार था बिकॉज ऐसे लुक वाले स्मार्ट वॉच ऐसे बजट में मिलना नामुमकिन है। एंड डिटेल में जाते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वॉच का जो नाम होने वाला है, नॉइस की तरफ से नॉइस फिट फोर्स रगेड स्पोर्ट्स वर्जन होने वाला है। मुझे नाम बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, लेकिन फ़ोन बहुत, मतलब नाम में क्या रखा है, फीचर्स में रखा है, लुक में रखा है, जो इसका मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगा। लुक की बात करें तो आपको थोड़ा स्पोर्टी लुक देता है, रगेड लुक देता है। डिस्प्ले में देखा है तो 1.32 डिस्प्ले है, मतलब 32 इंच का डिस्प्ले है, जो कि ठीक ठाक है, बड़ा है। एंड साथ में आपको 5500 निट्स का ब्राइटनेस देखने मिलेगा, पीक ब्राइटनेस, जो कि बेटर है। अगर आप धूप वूप में निकलते हैं आराम से इसमें वॉच में जो भी देखना चाहे देख सकते हैं, इवन नेविगेशन तक भी। वो बात अलग है कि ये फीचर इसमें है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। बिल्ड की बात करें तो उसमें आपको जिंक एलॉय पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा काफ़ी टफ है एंड आपको जल्दी स्क्रैच या जल्दी टूटने से बचाएगा। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो है डायल फीचर स्क्रोनिंग। वो क्या है कि आपका जो डायल है उससे वो हुरा के आप नेविगेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, ऊपर जाना नीचे जाना स्क्रोलिंग करना वो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग तरीके के सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि मेजर टॉप करता है हार्ट रेटिंग सेंसर SPO एंड स्पीड मीटर या स्पीड सेंसर्स, एक्सेलेरोमीटर भी बोला जाता है उसे, तो आप कितने स्पीड में चले वो सारी चीज़ें दिखाता है। बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें उसमें आपको बैटरी जो है आपको नॉर्मल, अगर स्टैंडर्ड यूजर्स है, आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, 7 दिन तक चल जाएगा कॉलिंग वॉलिंग के साथ। एंड बिना उसके 40 दिन तक चल जाएगा। स्टैंड बाय जो है इसका 40 डेज का है। बैटरी का जो कैपेसिटी होने वाला वो 300 mAh का बैटरी होने वाला है एंड साथ में 2 घंटे के अंदर आपको फुल चार्ज करके दे देगा। हाँ, इसमें कोई फास्ट चार्जिंग का फीचर ऐसा कुछ दिया नहीं गया, बट ठीक है, आप इस बजट के अंदर आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट हाँ, आपको 2 घंटे के अंदर चार्ज करके दे देगा, आप आराम से 2 घंटा तो बिना वॉच के रहते ही। वहीं पर अगर डायमेंशन की बात करें तो मुझे इसका डायमेंशन काफ़ी बड़ा लगा, काफ़ी सही है एंड बल्कि हाथ के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि आपको 50 mm का डायमेंशन देखने को मिलेगा डायल। अब वो रबर के साथ है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ, 50 mm का डायल देखने को मिलेगा फ्रंट पे। एंड आपका स्ट्रैप जो वो 22 mm का होने वाला है, मतलब स्ट्रैप भी काफ़ी मोटा होने वाला है। वहीं पे आपको IP67 का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो मतलब हाँ, सही है, आप जिम विम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स है या कुछ ऐसे एथलीट है, आपको स्मार्ट वॉच चाहिए, ये सही है। एंड पानी से भी बचाएगा तो बहुत बढ़िया, डस्ट वस्ट भी एकदम बेटर है, सही है। और पर जैसे इसका बिल्ड क्वालिटी दिया गया है तो मुझे नहीं लगता हार्डली ये स्क्रैच या टूटने का खतरा हो सकता है। इसमें कई सारे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं, जिसका मैं हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ तो आपको ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ कॉल रिजेक्शन देखने को मिलेगा, पिकअप भी कर सकते हो, स्पीकर पर बात तक भी कर सकते हो, आप वॉच में कॉन्टैक्ट भी सेव कर सकते हो सीधा वॉच से एंड आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। एट द सेम टाइम आप कॉन्टैक्ट से कॉल भी लगा सकते हैं। वहीं पे इसमें एक और फीचर देखने को मिलेगा, वो है फाइंड माई फ़ोन करके, मतलब अगर आपका फ़ोन है आपके पास तो आपका वॉच उस फ़ोन को ढूंढ सकता है। अगर आप कहीं रख दिए हो यहाँ वहाँ, आपके ध्यान में नहीं, आप आराम से गए क्लिक किया एंड फ़ोन ऐसे रिंग करने लग जाएगा एंड वो आपको फ़ोन आपको मिल जाएगा, अगर वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो। वहीं पे आप गाना वाना सुन रहे हो, एयरबड्स लगा के हो या कोई भी वायर्ड या ब्लूटूथ कुछ भी लगा के हो, आप गाना सुन रहे हो, पॉकेट से फ़ोन नहीं निकालना, तो आप अपने वॉच से भी कंट्रोल कर सकते हो। रिमोट म्यूज़िक कंट्रोल भी दिया गया है, साथ में आपको रिमोट कैमरा कंट्रोल भी दिया गया है, मतलब सेल्फी वालों के लिए तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये कि आपके सेल्फी के स्ट्रगल के दिन चले गए, अगर आप इसको फ़ोन से कनेक्ट करके रखते हो, आप कहीं पर रख देते हो एंड उसका फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑन कर देते हो, तो आप आराम से फ़ोन को वहाँ रख के फोटो खींच सकते हो। आपके हाथ पे शटर बटन है, क्लिक करो एंड फोटो क्लिक हो जाएगा। इसका एक रेंज हो सकता है, बट आप कितना ही दूर से सेल्फी लोगे। साथ में आपको इसमें वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, मतलब आप कहीं पे फंसे हुए हो, कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, कुछ जानना है, तो आप सीधा सीधे हे गूगल या हे बिक्सबी या कुछ भी बोल सकते हो, आपका काम हो जाएगा। एंड साथ में और भी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि अलार्म हुआ, टाइमर हुआ एंड बहुत सारे फीचर्स एक्सेट्रा वाले फीचर्स, इतने सारे हैं। तो आप जब स्मार्ट वॉच खरीदोगे तो आपको पता चलेगा इसमें कितने सारे फीचर्स दिए गए हैं। अब लोग प्राइस पॉइंट पे आ जाते हैं, तो प्राइस पॉइंट इसका आपको 2400 होने वाला है। वैसे इसका एक अजीब सा ये है, क्योंकि इसका हर प्लेटफॉर्म पे एक अलग अलग प्राइस है, जैसे कि अमेजोन में 3000 का है, वहीं पे इसके ओरिजिनल वेबसाइट पे 2400 का है, वहीं पे फ्लिपकार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये आपको 2800 के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल मैंने जो लिंक दिया वो अमेजोन का है, अगर आपको बेस्ट प्राइसेस जो प्लेटफॉर्म में देखने को मिलते हैं तो आप उधर से जाकर ले सकते हो, फिलहाल अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहीं पे इससे अगर हटके थोड़ा बात करें तो 150+ क्लाउड वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, मतलब इसके क्लाउड में 150+ वॉच फेसेस हैं ऑलरेडी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पे कंक्लूजन की बात करें तो एक अच्छा स्मार्ट वॉच आ चुका है कॉम्पिटिशन में। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बेटर परफॉर्म करने वाला है, बिकॉज काफ़ी लोगों को, काफ़ी यंगस्टर को ऐसे विशेष की ज़रूरत है, ऐसे
बल्कि स्मार्ट वॉचेस की ज़रूरत थी, जिसमें से मैं भी एक हूँ एंड मैं जल्दी खरीदूंगा। अगर मैं खरीदता हूँ उसका आपका इन हैंड रिव्यू ज़रूर दूंगा, वेट फॉर दैट टू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल को शेयर करो एंड उन लोगों को जिन लोगों को ऐसा वॉच चाहिए था उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को पता चले कि ऐसा वॉच जो है वो मार्केट में आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।